दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अदरक का है जोश बढ़ाए हैं। दोस्तों अदरक का उपयोग सदियों से हमारे देश में तरह तरह के दवाइयों में होता आया है, तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाने में भी होता आया है। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो प्राचीन काल के वैद्य होते थे, उन लोगों ने इसके तरह तरह के रिसर्च किए और इसकी दवाइयाँ के रूप में प्रयोग किए। अदरक का यदि सोंठ को चूसा जाए, नियमित रूप से चूसा जाए, तो बलगम को यह निकाल देता है। फेफड़े में जमी हुई बलगम, खांसी जो है वो निकल के बाहर आ जाती है या नीचे प्लेट के रास्ते निकल जाती है। यदि अदरक का जूस नियमित रूप से पिया जाए तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, जोश खरोच को बढ़ाता है, मर्दानगी ताकत को भी बढ़ाता है। अदरक का जूस और प्याज का जूस एक साथ मिला के पीने से यह बहुत जल्दी यह काम उत्तेजना को बढ़ाता है, प्री मैच्योर इजेकुलेशन को भी यह कंट्रोल करने में सहायक होता है। दोस्तों अदरक और मिश्री, आप लोग ध्यान सुने, अदरक और मिश्री यदि एक साथ दोनों मिला के अदरक का सोंठ और मिश्री एक साथ चूसा जाए तो गले में बड़े बड़े टॉन्सिल को आराम कर देता है। गले में खराश हो, गले में खिचखिच की आवाज़ आ रही है, गले में बलगम सांस नली पकड़ लिया, जकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, तो यदि मिश्री और अदरक दोनों मिलाकर एक साथ चूसा जाते हैं, इसको बहुत जल्दी आराम कर देता है, फेफड़े में बलगम को निकाल के बाहर कर देता है और फेफड़ा हल्का हो जाता है, मरीज के ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। अदरक का यदि पेस्ट बना करके ज्वाइंट पेन में, गठिया में दर्द जाकर जगह पर लेप किया जाए तो वहाँ के दर्द जगह पर आई सूजन को खत्म कर देता है, दर्द को आराम कर देता है, दर्द को पूरा खींच लेता है। अदरक कितने सारे फायदे हैं। दोस्तों अदरक का उपयोग भिन्न भिन्न खाने के व्यंजनों में, आप मिर्च मसाले के रूप में होता है, मसालों में भी इसका प्रयोग होता है। यह खाने के स्वादिष्ट को स्वाद को बढ़ा देता है, कई गुना बढ़ा देता है। अदरक का जल्दी सेवन ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो नुकसान भी कर सकता है। ज़्यादा का मात्रा खाने से, या क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, गर्मी करता है, आपके पेट में गैस बन सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन बदहजमी भी हो सकती है, और फलतः इसके परिणाम स्वरूप आपको बवासीर भी हो सकता है। अतः बवासीर के मरीजों को अदरक नहीं खाना चाहिए, या ज़्यादा मात्रा में खाने से बवासीर होने का खतरा भी है, तथा आप ज़्यादा मात्रा में इसका नॉन मात्रा में सेवन करें। ठीक है दोस्तों, अदरक एक ऐसी खाद्य पदार्थ है जिसका यदि नियमित थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो कहा जाता है कि यह शिलाजीत की तरह फायदा पहुँचाता है। इसकी सेवन जेंट्स भी कर सकता है और लेडीज भी कर सकती है, दोनों ही कर सकते हैं, समझ गए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाता है, शिलाजीत की तरह फायदा पहुंचाता है। यह शरीर में चुस्ती फुर्ती स्फूर्ति लाता है, आलस को दूर करता है, जो शरीर में बदन में दर्द है, काम काज का जो दिन भर काम करते हैं लोगों को थकान हो जाता है, तो शाम को इसका सूप बना के पिएंगे तो वो थकान को दूर कर देता है, शरीर में नई ताजगी भर देता है। देखते हो चाय मिलाकर पीने से, जानते हो काफ़ी लोग चाय मिलाकर अदरक को पीते हैं, तो चाय मिलाकर यदि अदरक को पिया जाए तो यह बहुत ही लाभप्रद है, गले को साफ करता है और इम्यूनिटी पैदा करता है। तो अदरक कैसे मेन मेन फायदे आप लोगों को बता दिए, ऐसे फायदे अनेकों इसके हैं, लेकिन आपको जो मोस्टली फायदे बता दिए आप लोगों को, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। जय भारत।